हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आज आ चुका है हमारा ब्लॉग, एंड ब्लॉग की शुरुआत आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से हुई है, क्योंकि आज सुबह उठकर सबसे पहले हम गए थे मॉर्निंग वॉक पर, एंड उसके बाद मैंने किया बहुत सारा एक्सरसाइज एंड बहुत सारा मेडिटेट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पावर को बिल्ड करने के लिए मेडिटेट करना इज़ नेसेसरी। एंड इस अच्छी सी पॉजिटिव वाइब के साथ चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो सबसे पहले हम लगाने वाले हैं सेट, जो कि होने वाला है इंग्लिश का सेशन लगाएंगे, एंड काफ़ी स्फूर्ति होने वाली है आज, क्योंकि हमने आज दिन की शुरुआत की है एक्सरसाइज एंड योगा एंड मेडिटेशन के साथ। सो सभी होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है एंड बहुत इफ़ेक्टिव डेज आता है एंड एफिशिएंसी के साथ काम होता है। सो लेट्स बिगिन। सो अभी हम सबसे पहले सभी अभी मैंने बताई दिया आपको सभी को कि बोले इंग्लिश को सेट लगाएंगे, एंड देन उसके बाद हम लगाने वाले हैं मैथ सेशन। सो आज थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही थी एंड बहुत दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही थी। सो थोड़ा सा बहुत अनस्टेबिलिटी आए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना एंड लेट्स डू इट। तो पिछले दिनों की रफ्तार पकड़ते हुए हमने आज से व्लॉग और बिल्कुल अपडेट होना स्टार्ट कर दिया था, कि मुझसे बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आपने एकदम छोड़ क्यों दिया है। सो मैंने छोड़ा नहीं था, बेसिकली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड कुछ पर्सनल काम भी होता है बहुत सारा। सो हमारे घर में भी फंक्शन भी था, तो सो फिर मैंने सोचा कि अब इसको पॉज देते हैं एंड देन उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। सो आज प्रस्तुत है ये व्लॉग एंड बहुत सारा प्रोडक्टिव डे जाने वाला है, क्योंकि हमने आज स्टडी स्टार्ट करी है विथ सबसे पहले हमने किया था एक्सरसाइज योगा एंड मेडिटेशन, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बिल्ड हो चुका है। एंड ऐसे बीच बीच में हम सेट लगाएंगे एंड बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लेंगे, क्योंकि इतना एकदम लॉन्ग नहीं हो पाता है। तो उसके बाद हम बनाने वाले हैं आज शाम का खाना, मेरे साथ बनाइए आप भी। सो अभी हम सबसे पहले लेंगे एक मिक्सी जार में पालक के पराठे बनाने वाले हैं बेसिकली। उसके लिए लेंगे हम पालक, ग्रीन चिलीज एंड रेड चिली। इसको अच्छे से मिक्सचर ग्राइंडर में हमें इसे मिक्स कर लेना है एंड इसका फाइन पेस्ट बन जाएगा। एंड थोड़े से पालक आपको अलग साइड में रखना है, उसको चुरमुर करके भी डालना है। उसमें लेंगे हम गेहूँ का आटा, मक्की का आटा एंड उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बेसन, उसके बाद बेसिक मसालास एंड सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया एंड इसके बाद हम ये जो फाइन पेस्ट तैयार किया था वो, एंड इसके साथ हम डालेंगे चुरमुर करे हुए पालक एंड कुछ धनिया। इसको हमने ऐसा रफली डो लगा लिया है, एकदम टाइट लगाना है क्योंकि पालक खुद पानी छोड़ता है। सो उसके बाद हम इसको अच्छे से ग्रीस करके इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा आटा जो है वो काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर हो जाए। सो इसको रेस्ट करने देते हैं थोड़ी देर एंड देन हम फटाफट से एक सेशन और लगा के आ जाते हैं। सो इसको करीबन 10 मिनट्स के लिए रखना है, इसके बाद इसको हम इसकी एक लड्डू बॉल बना लेंगे एंड उसके बाद हम इसको अच्छे से पूरा रोटी की तरह बेल लेंगे, क्योंकि हमें पराठा नहीं बनाना है, रोटी पालक की रोटी बनाएंगे। बट इसके ऊपर हम ऑयल भी अप्लाई करेंगे, बट अभी अंदर अवॉइड करते हैं इसको। सो अभी हमने ऐसा गोल गोल बहुत सारा बना लेना है, ऐसा मुझसे ज़्यादा नहीं बनता है, इसलिए मैंने एक वीडियो के लिए बनाया था। एंड उसके बाद अब मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से कुक करना है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी कुक करना है। एंड इस पर दोनों तरफ से फिर ऑयल अप्लाई करना है, आपके हिसाब से आप कम ऑयल करना चाहें तो ना। अभी हमारा एकदम एस्थेटिक लुक रेडी है एंड शॉट लेते हैं बहुत ही प्यारा सा, एंड ये हम सब ने खाया खिलाया एंड बहुत मज़ा आया। एंड सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर।